hello students welcome to step up classes this is me narendra kumar and i welcome you behalf of kerala public school in the last video we have learned about properties of scars of a number so in this video we will solve questions based on properties of square of a number so let us start before starting today class let me clear your doubt from exercise 6.1 some of his students and mentioned in comment section that they have some doubts in question number 6 and question number 7 so let me clear them for that let me read question number 6 in this question we are given find the smallest number by which the given number must be multiplied so that the product become a perfect square number got it we actually karna kya hai? हमें एक ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है जो स्मॉलेस्ट होना चाहिए जिससे कि हम इस नंबर में जो ये आपको ए बी सी और डी में जो नंबर दे रखे हैं इनमें अगर हम मल्टीप्लाई करें तो प्रोडक्ट जो है वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाना चाहिए ठीक है तो इनमें से हम कुछ पार्ट्स को ले लेते हैं और सॉल्व कर देते हैं सो so, बच्चे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स का फर्स्ट पार्ट हमने लिया है और वो है सिक्स जीरो फाइव ठीक है तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना है हम सिक्स जीरो फाइव के प्राइम फैक्टर फाइंड आउट करेंगे ओके सिक्स जीरो फाइव के प्राइम फैक्टर्स कितने आ जाएंगे फाइव मल्टीप्लाई इलेवन मल्टीप्लाई इलेवन ओके समझ गए आप सभी आप इसको करके भी देख सकते हो तो जैसे ही आपने देखा सिक्स जीरो फाइव के जो प्राइम फैक्टर आए हैं फाइव मल्टीप्लाई इलेवन मल्टीप्लाई इलेवन है तो इसमें आप देख सकते हो कि इलेवन जो फैक्टर है प्राइम फैक्टर उसका पेयर तो कंप्लीट हो गया लेकिन फाइव का पेयर कंप्लीट नहीं हुआ है फाइव यहाँ पे एक अकेला फैक्टर बचा हुआ है इट तो अभी आप ये समझो कि अगर आपको इस पेयर को कंप्लीट करना है फाइव के पेयर को तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एटलीस्ट हमें इसको फाइव से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि ये फाइव और ये फाइव दोनों पेयर में आ गॉट इट तो बस यही जो आपको जिससे मल्टीप्लाई करना है वो ही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा तो हम यहाँ से कह सकते हैं क्लियरली वी कैन सी दैट द प्राइम फैक्टर फाइव कैन नॉट बी पेयर सो टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर नंबर ओके वी नीड टू मल्टीप्लाइड Given number number by okay, okay. understood. And we are going to to find the new perfect square number. that should be equal आपने बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है बहुत इजी सॉल्व हो गया ठीक है अब मल्टीप्लाई के क्वेश्चन सारे आप इस तरह से कर सकते हो हाँ एक चीज हो सकती है कि कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपके पास दो फैक्टर आ जाएं जैसे अभी मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ से कि जो फैक्टर हमने फाइंड आउट करे थे आप लेट कर लो कि यहाँ पे कोई दूसरा नंबर होगा सिक्स जीरो फाइव की जगह और उसके जो फैक्टर आए होंगे वो कुछ इस तरह से आए होंगे अब देखो यहाँ से एलेवन का फैक्टर पेयर तो कम्प्लीट है लेकिन फाइव का और सेवन का जो पेयर है वो कम्प्लीट नहीं है तो इनका पेयर कम्प्लीट करने के लिए हमें एटलीस्ट किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा फाइव से और सेवन से क्योंकि इसमें एक सेवन हम मान के चल रहे हैं कि एक सेवन ऑलरेडी आया था समझ गए ना बेटा क्लियर है तो इस तरह से अगर आपके पास जितने भी फैक्टर बचते हैं प्राइम फैक्टर जो पेयर में नहीं आते उनके प्रोडक्ट से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो वो आपका स्मॉलेस्ट रिक्वायर्ड नंबर बन के आ जाएगा ओके अभी देखो क्वेश्चन नंबर सिक्स का ही पार्ट ले लेते हैं नेक्स्ट और वो है आपका सी पार्ट उसमें आपको दिया गया है वन फोर फाइव एट ओके सो तो वन फोर फाइव एट के पहले प्राइम फैक्टर देख लेते हैं देखो बेटा सबसे पहले जो आपका नंबर गिवन था वन फोर फाइव एट उसको आप टू से डिवाइड करेंगे तो कितना मिल जाएगा आपके पास सेवन ट्वेंटी नाइन सेवन ट्वेंटी नाइन को थ्री से डिवाइड करेंगे कितना मिल जाएगा आपके पास टू हंड्रेड फोर्टी थ्री और उसको फिर से डिवाइड करेंगे थ्री से तो हमें मिल जाएगा एटी वन एटी वन को आप फिर से थ्री से डिवाइड करेंगे ट्वेंटी सेवन आ जाएगा और ट्वेंटी सेवन को थ्री से डिवाइड करेंगे नाइन आ जाएगा नाइन को थ्री से डिवाइड करेंगे थ्री आ जाएगा ओके और थ्री को थ्री से डिवाइड करेंगे वन आ जाएगा इट सो प्राइम फैक्टर्स ऑफ दिस नंबर वन फोर फाइव एट इज इक्वल टू टू मल्टीप्लाई थ्री मल्टीप्लाई थ्री मल्टीप्लाई थ्री मल्टीप्लाई थ्री मल्टीप्लाई थ्री मल्टीप्लाई थ्री ओके सो अगर हम देखते हैं यहाँ से तो ये पेयर थ्री का कंप्लीट हो गया इस ये पेयर भी कंप्लीट हो गया और ये पेयर भी कंप्लीट हो गया तो कौन सा ऐसा नंबर बचा है जिसका हमारे पास पेयर नहीं बना है टू तो अगर मुझे इसका पेयर बनाना है तो मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एटलीस्ट मुझे इसको टू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सो so, वो ही हमारा आंसर होगा सो so, हम कह सकते हैं दैट टू इज द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच वी शुड मल्टीप्लाइड एट टू मेक इट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर इट और अगर हम परफेक्ट स्क्वायर नंबर फाइंड आउट करना चाहते हैं नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर सो वन फोर फाइव एट को आप टू से मल्टीप्लाई कर दीजिए आपके पास जो आंसर आएगा उसको मैं सो करके दिखा देता हूँ वन फोर फाइव एट मल्टीप्लाई टू और इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे टू एट जिक्स कैरी वन टू फाइव जेन प्लस कैरी वन टू फोर ज्लस वन जो दैट मीन्स इनका प्रोडक्ट जो कितना है वो है टू नाइन वन सिक्स और टू वन टू नाइन वन सिक्स सिक्स का स्क्वायर होता है बेटा फिफ्टी फोर का स्क्वायर होता है टू नाइन वन सिक्स समझ गए आप सभी अभी क्वेश्चन नंबर now let us question question, number number number. in this question, what we are given, given find the the smallest number by which the given numbers must be divided so that it's become a perfect square number. okay, इस पर हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है डिवाइड करना है स्मोलेस्ट नंबर से प्रीवियस क्वेश्चन में हमने क्या करना था मल्टीप्लाई करना था चलिए इसका solution भी हम जल्दी से देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन का लेते हैं हम second पार्ट बी पार्ट that इज थ्री फोर सिक्स एट तो थ्री फोर सिक्स एट के सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे प्राइम फैक्टर्स और वो क्या आ जाएंगे बेटा देखो थ्री फोर सिक्स एट को हम टू से डिवाइड करेंगे कितना मिलेगा वन सेवन थ्री फोर फिर टू से डिवाइड करेंगे कितना मिलेगा एट सिक्स सेवन और उसके बाद थ्री से डिवाइड करेंगे वी गॉट टू हंड्रेड एटी नाइन और टू हंड्रेड एटी नाइन को सेवनटीन से डिवाइड करेंगे वी गॉट सेवनटीन सेवनटीन को फिर से सेवनटीन से डिवाइड करेंगे वी गॉट वन दैट मीन्स द प्राइम फैक्टर्स ऑफ थ्री फोर सिक्स एट इज इक्वल टू टू मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई थ्री मल्टीप्लाई सेवनटीन मल्टीप्लाई सेवनटीन ओके सो आप देख सकते हैं यहाँ से टू और सेवनटीन का जो पेयर थे वो कंप्लीट हो गए हैं लेकिन थ्री का जो पेयर था वो कंप्लीट नहीं हुआ है तो इस बार हमें मल्टीप्लाई नहीं करना है इस बार हमें डिवाइड करना है तो डिवाइड के लिए हम देखते हैं कि जिस भी फैक्टर का पेयर कंप्लीट नहीं हुआ है वो ही नंबर या फिर इस तरह से एक से ज़्यादा अगर फैक्टर हैं तो उनका प्रोडक्ट जो आएगा वो नंबर हमारा आंसर बन जाएगा क्योंकि अगर हम इसको थ्री से डिवाइड कर देंगे थ्री को अगर हम इसमें से हटा देते हैं तो ये जो पेयर कंप्लीट हो गए ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर को ही रिप्रेजेंट करेंगे और अगर मुझे थ्री को यहाँ से हटाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा डिवाइड करना पड़ेगा so, 3, 3, 4, 6, Clear, अभी मैं आपको शो करता हूँ कि उसके बाद जो नंबर आएगा वो कितना आएगा सो थ्री फोर सिक्स एट को हम डिवाइड करते हैं किससे थ्री से थ्री से डिवाइड कीजिए थ्री वन जी

टू और सेवन का सो so इसका मतलब अगर मुझे इस नंबर को परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाना है तो मुझे ये दोनों जो प्राइम फैक्टर हैं टू और सेवन इनको हटाना पड़ेगा क्योंकि हम डिवीजन की बात कर रहे हैं तो अगर मुझे इन्हें हटाना है तो मुझे किससे डिवाइड करना पड़ेगा मुझे टू मल्टीप्लाई सेवन दैट मीन्स टू मल्टीप्लाई सेवन इज इक्वल टू फोर्टीन से डिवाइड करना पड़ेगा सो वी कैन से द फोरटीन इज द स्मॉलेस्ट नंबर बाई विच वी शुड डिवाइड एट फाइव वन सेवन सिक्स टू मेक ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्लियर बच्चे आई होप आपको समझ आ गया होगा अब हम डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चंस जो हमने प्रॉपर्टी कल सीखी थी उनके आधार पे जो क्वेश्चंस हैं आज हम उनको सॉल्व करने जा रहे हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं देखिए बच्चे ये है एक्सरसाइज 6.2 और इसका हम क्वेश्चन नंबर ले रहे हैं फर्स्ट तो फर्स्ट क्वेश्चन को सबसे पहले हम रीड करते हैं टिक द करेक्ट आंसर करेक्ट आंसर पर आपको क्या करना है टिक करना है और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए पार्ट में हमसे क्या पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग फॉलोविंग स्क्वायर ऑफ इवन नंबर आप सभी जानते हैं कल की जो प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी उसमें हमने सीखा था स्क्वायर ऑफ इवन नंबर इज एन इवन नंबर एंड स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर इज़ ऑलवेज एन ऑड नंबर तो यहाँ से हमसे हम, हम पूछा गया है कि इनमें से बताइए कौन सा नंबर इवन नंबर का स्क्वायर है तो इवन नंबर का स्क्वायर भी एक इवन नंबर ही होना चाहिए तो 169 देखते हैं वो एक ऑड नंबर है तो ये फर्स्ट ऑप्शन नहीं हो सकता सेकेंड में जो हम देखते हैं सेकेंड में जो हमें नंबर मिला है वो है टू वो भी एक ऑड नंबर है तो सेकेंड पार्ट भी हमारा करेक्ट आंसर नहीं हो सकता थर्ड अगर हम पार्ट की बात करते हैं तो इसमें जो आपको दिया गया है वो है टू हंड्रेण फिफ्टी सिक्स और टू हंड्रेड फिफ्टी सिक्स क्या है बेटा एक ई नंबर है तो इसका मतलब थर्ड पार्ट हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि अगर हम फोर्थ पार्ट को देखते हैं तो फोर्थ पार्ट भी हमारा सिक्स हंड्रेड ट्वेंटी फाइव है जो कि एक ऑड नंबर है गॉट इट और हमें क्या चाहिए एक ई नंबर चाहिए ये प्रॉपर्टी कल हमने पढ़ी थी स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर इज ऑलवेज एन ऑड नंबर एन इवन नंबर इज ऑलवेज एन इवन नंबर कॉटिक सो ये कोई फर्स्ट पार्ट आपको समझ आ गया होगा करेक्ट आंसर है थर्ड अभी हम बात करते हैं सेकंड पार्ट की क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के इसमें पूछा गया है चूज द ऑर्ड वन आउट ठीक है इनमें से ये बताइए कौन सा अलग है जो आपके तीन पार्ट्स आपको दे रखे हैं इनमें से आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा अलग है तो मैं इनको सॉल्व करके दिखाता हूँ और आपको रीजन बताता हूँ कि ये अलग क्यों है क्यों बेटा यहाँ से हमने फर्स्ट पार्ट लिया है सबसे पहले बी का और उसमें हमें जो तीन नंबर दे रखे थे वो थे थ्री कॉम ऑफ फोर कॉम ऑफ फाइव कॉटीट तो ये थ्री कॉम ऑफ फोर कॉमो फाइव से हम क्या रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं हम चेकआउट करने जा रहे हैं कि क्या ये पाइथोकोरिन ट्रिपलेट्स हैं या फिर नहीं हैं सो so अगर ये पाइथोगन ट्रिपलेट्स हैं तो ये जो थ्योरम का स्टेटमेंट होता है दैट लॉन्गेस्ट साइड दैट मीन्स हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू रिमेनिंग साइड्स तो हम सबसे पहले लॉन्गेस्ट साइड फाइंड आउट करेंगे यहाँ पे कितना है फाइव सो फाइव स्क्वायर तो हमें दे रहा है लेफ्ट हैंड साइड में ट्वेंटी फाइव राइट हैंड साइड में बाकी जो दो साइड बच गई हैं वो कौन कौन सी है थ्री एंड फोर हम उनका स्क्वायर करके सम करेंगे सो थ्री स्क्वायर बिकम कम नाइन फोर स्क्वायर बिकम कम एंड नाइन प्लस सिक्सटीन इज इक्वल टू ट्वेंटी तो आप देख सकते हो कि लेफ्ट हैंड साइड में भी ट्वेंटी फाइव मिला और राइट हैंड साइड में भी ट्वेंटी फाइव सो थ्री फोर फाइव किसको रिप्रेजेंट करते हैं पाइथोग ट्रिपलेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं इसी तरह से जो बाकी के ऑप्शन हैं हम एक एक करके उनको चेक करेंगे अभी सेकेंड पार्ट की तरफ चलते हैं तो वो है हमारे पास फाइव ट्वेल्व एंड थर्टीन इसमें हमने सबसे लॉन्गेस्ट साइड ली थर्टीन और थर्टीन का स्क्वायर कितना मिला लेफ्ट हैंड साइड में वन हंड्रेड एंड सिक्सटी नाइन और बाकी जो दो लेंथ्स बच गई हैं कौन कौन से फाइव और ट्वेल्व हम उनका स्क्वायर करके ऐड करेंगे सो so फाइव स्क्वायर बिकम 25 ट्वेंटी फाइव ट्वेल्व स्क्वायर बिकम 144 वन फोर्टी फोर ट्वेंटी फाइव प्लस वन फोर्टी फोर इज इक्वल टू वन हंड्रेड सिक्सटी नाइन सो यहाँ से भी हमें क्या मिला लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो किसके इक्वल आया राइट हैंड साइड्स के इसका मतलब ये तीन नंबर्स भी किसको पाइथागोरन ट्रिपलेट्स uh, को रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि ये थ्योरम का जो स्टेटमेंट है उसको क्या करते हैं सेटिस्फाइड करते हैं तो ये भी क्या हुए बेटा पाइथोग ट्रिपलेट्स और फर्स्ट पार्ट में भी जो तीन नंबर दे रखे हैं वो भी क्या है पाइथोग ट्रिपलेट्स अब चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ और थर्ड पार्ट में देखते हैं तो थर्ड पार्ट में हमारे पास जो नंबर हैं वो हैं एट फिफ्टीन एंड सेवनटीन तो इसी तरह से हम क्या करें सबसे पहले सेवेंटीन को लिया लॉन्गेस्ट साइड उसको राइट हैंड साइड में रखा सेवनटीन स्क्वायर कितना है बेटा टू हंड्रेड एटी नाइन और बाकी जो दो नंबर बच गए हैं उनका स्क्वायर करके सम करेंगे अभी सो एट स्क्म एंडम ट्वेंटी फोर प्लस टू ट्वेंटी नाइन सो फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड वी कोट द सेम वैल्यू देर फॉर वी कैन से दैट एट फिफ्टीन एंड सिक्सटीन आर पाइथागोरन ट्रिपलेट्स तो देखो फर्स्ट पार्ट में भी हमें क्या मिला जो फर्स्ट ऑप्शन था उसमें भी हमें मिले पाइथोग पार्ट में भी हमें मिले थर्ड ऑप्शन में भी हमें क्या मिले पाइथोगट्स तो अभी फोर्थ पार्ट कोर्स चेक कर लेते हैं उसमें हमारे पास जो नंबर हैं वो क्या हैं वो हैं हमारे पास एट फिफ्टीन एंड सिक्सटीन ओके तो यहाँ से सबसे पहले हमने क्या लिया है सिक्सटीन लिया जो लॉन्गेस्ट uh, साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है सिक्सटी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना मिला बेटा 256 और बाकी जो दो साइड बच गई अभी उनका स्क्वायर करके हम क्या करेंगे सम करेंगे सो एटी स्क्वायर बिकम सिक्सटी फोर एंड फिफ्टीन स्क्वायर इज इक्वल टू टू ट्वेंटी फाइव एंड देयर सम इज इक्वल टू टू हंड्रेड एटी नाइन सो नाउ वी कैन सी दैट 289 एटी नाइन डज नॉट इक्वल टू टू हंड्रेड फिफ्टी सिक्स तो यहाँ से देखो ये जो हमारे पास क्या था स्टेटमेंट था पाइथागोरस थ्योरम का वो सेटिस्फाइड नहीं होता तो इसका मतलब एट फिफ्टीन और सिक्सटीन जो है वो पाइथागोरन ट्रिपलेट्स को रिप्रेजेंट नहीं करते तो इसीलिए हमारा जो आंसर होगा वो हम क्या कहेंगे कि जो फोर्थ ऑप्शन है वो इन सब में अलग है सो so, आप किस पे टिक लगाएंगे फोर्थ ऑप्शन पे समझ गए बेटा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सी पार्ट पढ़ते हैं सी पार्ट में हमको दिया गया इफ वन मेंबर ऑफ ए मेंबर्स आर ये तो बेटा कल हमने पढ़ा था कि हमारे पास तीन पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स होते हैं कौन कौन से ट्वाइस ऑफ एम एम स्क्वायर प्लस वन और एम स्क्वायर माइनस वन और इसके साथ में एक कंडीशन जुड़ी थी कि एम जो है वो एक

विच ऑफ़ द फॉलोइंग नंबर्स कैन नॉट बी यूनिट डिजिट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर नंबर कॉटी हमने कल ये पढ़ा था कि हमारे पास जितने भी नंबर बनते हैं चाहे वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो या फिर नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो उनमें जो यूनिट डिजिट हो सकता है ठीक है वो क्या हो सकता है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन और या फिर ज़ीरो डिजिट उनके यूनिट प्लेस पे हो सकते हैं और जब हम स्क्वायर करते हैं इनका जो हम हमने मैंने आपको कल भी सो करके दिखाया था तो उसमें कौन कौन से डिजिट नहीं आते स्क्वायर में टू उसके बाद थ्री उसके बाद सेवन और एट ये चार डिजिट कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर के यूनिट प्लेस पे नहीं आ सकते तो इसका मतलब यहाँ से देखो वन आ सकता है सिक्स आ सकता है और नाइन भी आ सकता है तो जो सेवन है वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर के यूनिट प्लेस पे नहीं आ सकता तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड पार्ट दैट इज सेवन नाउ लेट अस रीड ई पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर नंबर फर्स्ट इफ एंड्स इन फाइव जीरोस देन इट्स स्क्वायर एंड कल भी हमने इस क्वेश्चन को पढ़ा था इस तरह की कल जो एग्जाम्पल हमने लिया था कि टेन का स्क्वायर कितना होता है टेन मल्टीप्लाई टेन इज इक्वल टू हंड्रेड ओके सो टेन में देखो कितने जीरोज हैं वन लेकिन उसका स्क्वायर जब हमने किया हंड्रेड तो उसमें कितने जीरो हो गई टू जीरोज हो गई इसी तरह से अगर आप हंड्रेड का स्क्वायर फाइंड आउट करते हैं तो हंड्रेड का स्क्वायर कितना आएगा हंड्रेड मल्टीप्लाई हंड्रेड दैट इज इक्वल टू टेन थाउजेंड ओके समझ गए सो हंड्रेड में कितने जीरोज हैं हंड्रेड में टू जीरोज हैं लेकिन हंड्रेड के स्क्वायर में कितने जीरोज आई हैं बेटा फोर जीरोज आई हैं इसका मतलब जितने जीरोज आती हैं किसी नंबर में उसके स्क्वायर में कितने हो जाते हैं डबल हो जाते हैं तो यहाँ पे नंबर में कितने जीरोज बताए हैं फाइव जीरोज हैं तो इसको स्क्वायर में कितने हो जाना चाहिए टेन तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा फोर्थ पार्ट दैट इज क्लियर क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको क्या करना है बेटा फिल इन द ब्लैंक्स है आपको जो स्पेस दिया गया है ब्लैंक उसमें फिल करना है तो इसके देखो चारों पार्ट्स में आपको सॉल्व कर देता हूँ जल्दी से कर लेते हैं एक बार देखते हैं फर्स्ट पार्ट में आपको जो दिया गया था वो था फिफ्टी नाइन मल्टीप्लाई सिक्सटी वन दैट इज इक्वल टू ब्लैंक स्पेस स्क्वायर माइनस वन ओके तो फिफ्टी नाइन और सिक्सटी वन को हम रीराइट कर लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड से फिफ्टी नाइन को हमने लिख, लिख लिया सिक्सटी माइनस वन और सिक्सटी वन को लिख, लिख लिया सिक्सटी प्लस वन इट तो इसमें जो कल हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी अल्जेब्रा की भी थी कल भी हमने पढ़ी थी और वो क्या थी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई ठीक है इन टू एक्स माइनस वाई तो यहाँ से देखो ये x माइनस वाईस और x प्लस वाई को रिप्रेजेंट करते हैं जो किसके इक्वल होना चाहिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के सो so एक्स किस को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे सिक्सटी को और वाई किस को रिप्रेजेंट कर रहा है वन को सो दैट्स वॉड इक्वल टू सिक्सटी स्क्वायर माइनस वन कॉटिक तो अब इसको देखो वन स्क्वायर वन होता है अगर हम इसको राइट हैंड साइड से कंपेयर करते हैं तो वन आ गया है हमारे पास माइनस साइन आ गया है और जो फर्स्ट बॉक्स आना चाहिए था हमारे पास कितना है सिक्सटी तो इसका मतलब हम क्या कहेंगे कि ब्लैंक स्पेस में जो आंसर आना चाहिए वो क्या आना चाहिए हमारा सिक्सटी आना चाहिए समझ गया आप सभी इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं सेकेंड पार्ट में आपको क्या दिया गया है ये है सेवन स्क्वायर इज इक्वल टू ब्लैंक स्पेस प्लस ट्वेंटी फाइव ओके तो सेवन स्क्वायर को हमने सबसे पहले क्या लिखा फोर्टी नाइन सो फोर्टी नाइन इज इक्वल टू ब्लैंक स्पेस में हमने लेट कर लिया कि कोई नंबर एक्स आएगा सो फोर्टी नाइन इज इक्वल टू एक्स प्लस ट्वेंटी फाइव और ये अब हमारा क्या बन गया लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल जो आपने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था ये सॉल्व करना आता है आप सभी को सो एक्स इज इक्ल टू फोर्टी नाइन माइनस ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव को ट्रांसपोज कर दिया बेटा सो विकोट एक्स इज इक्वल टू ट्वेंटी फोर दैट मीन्स हमारे पास जो ब्लैंक स्पेस है उसमें कौन सा नंबर आना चाहिए ट्वेंटी फोर आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हो देखो यहाँ पे अगर ट्वेंटी फोर आएगा और ये प्लस ट्वेंटी फाइव होगा तो आपके पास सम कितना आ जाना चाहिए ट्वेंटी फोर प्लस ट्वेंटी फाइव दैट इज़ इक्वल टू फोर्टी नाइन और फोर्टी नाइन किसका स्क्वायर होता है बेटा सेवन का स्क्वायर होता है समझ गए तो इसी तरह से इसके बाकी के जो दो पार्ट्स हैं वो आप लोग सॉल्व करके देखेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लेते हैं एक बार जल्दी से क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपसे पूछा गया बेटा व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ़ द फॉलोइंग नंबर्स ठीक है uh, आपसे पूछा गया है कि इनमें बताइए यूनिट डिजिट क्या होगा अगर इनका स्क्वायर किया जाए तो आप इनका स्क्वायर फाइंड आउट करके भी यूनिट डिजिट बता सकते हो या फिर किसी भी स्क्वायर नंबर uh, के स्क्वायर में जो यूनिट डिजिट होगा वो उस नंबर के यूनिट डिजिट के स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए जैसे मैं आपको यहाँ से बताऊँ एक नंबर अगर हम फोर हंड्रेड थर्टी टू ले रहे हैं तो इसमें यूनिट डिजिट कितना आया हुआ है हमारे पास टू तो इसके फोर हंड्रेड थर्टी टू के स्क्वायर में जो यूनिट डिजिट आएगा वो आप इस टू का स्क्वायर कर लीजिए वो कितना मिलता है फोर तो यहाँ पे स्क्वायर होने के बाद जो यूनिट डिजिट बनेगा फोर हंड्रेड थर्टी टू के स्क्वायर में वो कितना बनेगा फोर कॉटिक इसी तरह से आप दूसरा नंबर ले लीजिए टू एट फाइव सेवन इसका यूनिट डिजिट है सो स्क्वायर ऑफ का जो यूनिट प्लेस बनेगा वो क्या बनेगा हम सेवन का स्क्वायर कर लीजिए सेवन का स्क्वायर कितना बनता फोर्टी नाइन तो यहाँ से इसका यूनिट प्लेस आप ले लेंगे नाइन तो आपका जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा नाइन ठीक है तो so, इसी तरह से बाकी पार्ट्स के भी आप आंसर निकाल सकते हो इसके साथ में मैं सॉल्यूशन आपको भेज दूंगा ठीक है आप सॉल्यूशन को चेक कर लीजिएगा अगर मैं सारा यहाँ से कराता हूँ तो वीडियो बहुत बड़ा बन जाता है और वो फिर अपलोड करने में प्रॉब्लम आती है उसको ठीक है बेटा तो क्वेश्चन नंबर फोर देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर में आपको क्या दिया गया है फोर्थ क्वेश्चन में दिया गया फाइंड आउट इन क्वेश्चन नंबर फोर्थ वी आर गिवन फाइंड आउट वे परफेक्ट स्क्वायर इन इस पेयर इनमें से हर एक पेयर में से बताइए कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है और कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है गॉट इट तो यहाँ से आप देखो कल आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि किसी के नंबर के लास्ट में जो जीरोज हैं अगर वो इवन है तभी वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो सकता है अदरवाइज नहीं हो सकता तो देखो 160 160 में कितना जीरो है वन और वन क्या है ऑर्ड नंबर तो ये 160 कभी भी आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं बन सकता सिक्सटीन में कितने जीरोज हैं सिक्सटीन में टू जीरोज हैं और टू क्या है टू इवन है तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो सकता है यहाँ पे हम श्योर sure नहीं हैं बस एक आइडिया हम लगा रहे हैं कि इसमें पॉसिबिलिटीज़ बढ़ गई है कि एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा ओके okay, तो आप फाइंड आउट कैसे करेंगे अब इसको कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं तो इस तरह से आप जाके सबसे पहले आपको फिर दूसरे नंबर का या फर्स्ट नंबर का क्या फाइंड आउट करने हैं प्राइम फैक्टर्स और प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करने के बाद आप क्या बनाएंगे उनके पेयर्स जैसे अगर आप वन को देखते हैं तो वन को आप क्या लिखेंगे सबसे पहले सिक्सटीन मल्टीप्लाई टेन सिक्सटीन को आप क्या लिखेंगे टू मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई टू और टेन को क्या लिखेंगे टू मल्टीप्लाई फाइव तो अगर आप पेयर देखते हैं सबसे पहले तो टू मल्टीप्लाई टू का एक पेयर बन गया टू मल्टीप्लाई टू का बन गया लेकिन लास्ट में टू और फाइव जो है उनका पेयर नहीं बना है तो यहाँ से टू और फाइव का पेयर नहीं बना तो इसलिए हम क्या कहेंगे वन सिक्सटी जो है एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है क्योंकि हमने पढ़ा है परफेक्ट स्क्वायर नंबर के जो प्राइम फैक्टर्स होते हैं उन सभी के पेयर्स क्या होते हैं कंप्लीट होते हैं तो इस तरह से आप इसको बता सकते हो बेटा कि इनमें से कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है और कौन सा नहीं है समझ गए आप सभी क्वेश्चन नंबर फाइव है क्वेश्चन नंबर फाइव में आपको दिया गया द स्क्वायर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन नंबर वुड बी एन ओड नंबर ओके इनमें से बताइए कि इनमें से किसका स्क्वायर जो है वो एक ओड नंबर होगा और हमने इसके बारे में क्या पढ़ा था कि एक ओड नंबर का स्क्वायर ही एक ओड नंबर होता है सो so, 131 किस तरह का नंबर है ओड नंबर है सो स्क्वायर ऑफ 131 कितना होना चाहिए ये भी एक ओड नंबर होना चाहिए समझ गए बेटा 92 अगर आप देखते हैं तो 92 किस तरह का नंबर है इवन नंबर है सो स्क्वायर ऑफ 92 जो है वो भी क्या होना चाहिए एक इवन नंबर होना चाहिए समझ गए क्योंकि हमने कल प्रॉपर्टी में पढ़ा था दैट स्क्वायर ऑफ ए इवन नंबर इज एन इवन नंबर एंड स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर इज ऑलवेज एन ऑड नंबर तो उस प्रॉपर्टी के बिहा पे आप क्वेश्चन नंबर फाइव के आंसर कर सकते हैं ठीक है सॉल्यूशन मैं सेंड भी करूंगा आप लोगों को अगर कोई प्रॉब्लम आए तो उसमें देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर सिक्स और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा हमारा इन दिस क्वेश्चन वट वी आर गिवन हेयर वी आर गिवन दैट एक्सप्रेस फॉलोइंग एज द सम ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव इंटीचर्स ठीक है आपको बताना है कि जो नाइन है इसको आप कैसे कॉन्सिकटिव इंटीजर्स के सम में लिखेंगे तो मैं इसको सॉल्व करके दिखा देता हूं आपको क्वेश्चन नंबर सिक्स की हम बात कर रहे थे फर्स्ट पार्ट उसका नाइन स्क्वायर कितना होता है बेटा नाइन तो? का स्क्वायर होता है एटी वन और एटी वन को आप क्या लिख सकते हो दो कॉन्सिकटिव जो इंटीजर्स जिनका सम एटी वन हो जाए वो फोर्टी फाइव प्लस फोर्टी सिक्स होगा कैसे हुआ ये मैं अभी आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ पहले चारों पार्ट को मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ थर्टीन स्क्वायर कितना होता है वन हंड्रेड सिक्सटी नाइन जो किसकेक्वल रहेगा आपके पास एटी फोर प्लस एटी फाइव के सेवेंटीन स्क्वायर होता है टू हंड्रेड एटी uh, नाइन जो किसके आ जाएगा वन हंड्रेड फोर्टी फोर प्लस वन हंड्रेड फोर्टी फाइव ट्वेंटी थ्री स्क्वायर होता है फाइव हंड्रेड ट्वेंटी नाइन के इक्वल और ये आ जाएगा आपके पास टू हंड्रेण्ड सिक्सटी फोर प्लस टू हंड्रेड सिक्सटी फाइव आप देखो फोर्टी फाइव फोर्टी सिक्स हैं 84 85 एटी फोर एटी फाइव भी आपके कॉन्सीटिव नंबर्स हैं वन हंड्रेड फोर्टी फोर वन हंड्रेड फोर्टी फाइव भी कॉन्सीटिव नंबर्स हैं टू हंड्रेड सिक्सटी फोर एंड टू हंड्रेड सिक्सटी फाइव भी क्या है कॉन्जिगेटिव नंबर्स हैं अब क्वेश्चन ये है कि आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे तो उसके लिए आप लेट कर लीजिए कि जो दो पॉजिटिव आपके पास कॉन्जिगेटिव इंटीजर्स हैं वो क्या हैं एक एन है और दूसरा एन प्लस वन है तो इन दोनों का सम किसके इक्वल होना चाहिए इनमें से जो आपको नंबर दे रखे हैं उनके स्क्वायर के जैसे ट्वेंटी थ्री का स्क्वायर दे रखा तो उसको हमने किसके इक्वल पुट किया है ट्वेंटी थ्री स्क्वायर और ट्वेंटी थ्री स्क्वायर कितना होता है बच्चे फाइव हंड्रेड यहाँ से देखो इसको अब हमें क्या करना है सॉल्व करना है। ये इन वन वेरिएबल बन ट्रांसपोज किया बेटा राइट हैंड साइड में सो वी गो टन इज इक्वल टू फाइव हंड्रेड ट्वेंटी फोर सो so, अगर एन का वैल्यू टू हंड्रेड सिक्सटी फोर है सो तो एन प्लस वन जो दूसरा होगा, वो इससे एक ज्यादा होना चाहिए That means, फाइव। और ये ही दो नंबर थे जिनको हमने लिखा था यहाँ से आप देख सकते हो ट्वेंटी थ्री स्क्वायर इज इक्वल टू फाइव हंड्रेड ट्वेंटी नाइन इज इक्वल टू टू हंड्रेड सिक्सटी फोर प्लस टू हंड्रेड सिक्सटी फाइव गोटिर बच्चे तो आज के जो क्वेश्चन हैं, जो पार्ट बच गए हैं आप उनको प्रैक्टिस करके देखिए सॉल्व कीजिए ठीक है नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलेंगे जो बाकी क्वेश्चन बच गए हैं उनको सॉल्व करेंगे और जो बाकी कॉन्सेप्ट्स बची हैं जो प्रॉपर्टीज़ बची हैं उन वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे ओके सो थैंक यू और तब तक के लिए सुरक्षित रहिए घर पर रहिए वीडियो अगर अच्छा लगा है, तो उसको लाइक कीजिए सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर भी कीजिए थैंक यू सो मच